हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोहना में। और आज इस जगह से मैं आपको लेकर चलने वाला हूं आगे भोंडसी तक, और फिर दिखाता हूं कि किस तरीके से फेज टू का काम चल रहा है सोहना एलिवेटेड रोड का, ये जो प्रोजेक्ट है। और इस पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ काम हुआ है अभी तक इस सोहना एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पे, क्योंकि यहीं से फेज टू जो है उसका काम चल रहा है। और यहाँ पे बोर्ड भी आपको दिख जाएगा, सड़क निर्माण प्रगति पर है। और इस जगह से यहाँ से स्टार्ट होता है ये सोहना एलिवेटेड रोड का काम। क्या है ये सोहना रोड? ये सोहना रोड जो फिलहाल अभी है दो लेन का, उसे बनाया जा रहा है फाइव लेन का ईस्ट साइड। यानी कि दोनों साइड को अगर मैं करूँ ऐड तो बन जाता है ये 10 लेन का, जो कि पहले था 4 लेन का। और इस सोहना रोड पे ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक्सप्रेस लाइन, जो कि होने वाला है 3 लेन का। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो आप देख रहे हैं वो है सर्विस रोड, जो कि होने वाला है 2 लेन का। और इसकी मदद से ये जो सोहना एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, इसकी मदद से आप यहाँ से राजीव चौक सिर्फ 20 मिनट में कवर कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। और वो इसलिए लगते हैं क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारा स्लो डाउन जो मिलता है, लेकिन ये जैसा कि प्रोजेक्ट का नाम ही है सोहना एलिवेटेड रोड, यानी कि इसका ज़्यादातर हिस्सा फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है। और इसीलिए ये हमारा और आपका फ्यूचर में ट्रेवल टाइम सेव करने वाला है। और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आज मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है 1300 करोड़ का। ये जो फेज टू है, यहाँ पे जो सबसे पहला एलिवेटेड रोड स्टार्ट होता है, यानी कि जो सबसे पहला फ्लाईओवर आपको मिलने वाला है, वो इसी जगह से मिलने वाला है, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने से आपको इस फेज टू में सबसे पहला एलिवेटेड रोड मिलने वाला है। अगर आप सोहना की तरफ से आते हैं, नूह की तरफ से आते हैं, तो ये 3 लेन का एक्सप्रेस लाइन, और उसके बाद आप आगे एलिवेटेड रोड पे कनेक्ट होंगे और फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ इसके डिवाइडर दिया गया है ताकि इसे एक्सेस कंट्रोल बनाया जा सके। सामने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, जो कि फ्लाईओवर बनाया जाना है उसका। और ये जो फ्लाईओवर का जो काम है, इस पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जितने भी इस पे पिलर कनेक्ट करने थे सेगमेंट के थ्रू, वो हो चुके हैं। और इसलिए यहाँ पर अब आपको लॉन्चर भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर को जो कनेक्ट करने का काम है लॉन्चर की मदद से, वो इस जगह पे कंप्लीट कर लिया गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा विंग्स ऐड करने हैं इसका काम चल रहा है, और इसी विंग्स की मदद से ईस्ट साइड 3 लेन का बनेगा। ये जो विंग्स है इसकी मदद से 2 लेन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसकी मदद से 1 लेन ऐड होगा। और दोनों तरफ की अगर मैं बात करूं तो 6 लेन, जैसा कि मैंने आपसे कहा 3 लेन ईस्ट साइड। ये जो फेज टू मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे आगे चलकर इंटरचेंज मिलने वाला है हमें आपको फ्यूचर में, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमें कनेक्ट कर सकता है। और इस जगह पे सोहना में एक साइंस सिटी भी आने वाला है, जो कि प्रपोज्ड है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है वो अभी सर्वे कर रही है, और जैसे ही ये सर्वे कम्प्लीट हो जाएगा तो साइंस सिटी भी, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंडिया में 6 साइंस सिटी लाने के लिए, उसके ऊपर भी अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट भी अभी प्रोसेस में है। और इसी जगह पे आपको ये जो जगह है इसे हम कहते हैं अलीपुर, और इसी जगह पे आपको मिलने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी। आप अगर इस तरफ से आते हैं जिधर से हम अभी आ रहे हैं, और फिर इस जगह पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो इंटरचेंज का काम है वो किया जा रहा है, और इस पे हर वक्त काम आपको दिखेगा कि जो कि चल रहा है और किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और इसीलिए
ये जो सोना एलिवेटेड रोड है इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप नू से आते हैं, मेवात से आते हैं, तो आप इसी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। इनफैक्ट अगर आप गुड़गांव की तरफ से भी आते हो तो भी आप इसी जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और यहीं पे ये कनेक्टिंग पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो कंपनी है, जो फेज़ वन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो एलिवेटेड होने वाला है, और जैसे ही इस जगह को आप क्रॉस करोगे तो आपको एक और एलिवेटेड पार्ट दिखने वाला है, और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गुड़गांव में उद्योग विहार है, यहाँ पर उद्योग कुंज है, और सिर्फ ये दिया गया है व्हीकल अंडरपास के लिए, ये जो एलिवेटेड पार्ट यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि आसपास जो लोग काम करते हैं उनको अगर यू टर्न लेना हुआ, या फिर आसपास जो लोग रहते हैं उनको यू टर्न लेकर आगे जाना हुआ, तो वो इस व्हीकल अंडरपास को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये जो ग्रिल लगाना है उसका काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पे भी लोगों को वॉक करने के लिए जगह दी गई है, और जो कि बहुत ही सही आइडिया है और सबसे बेस्ट है ये। राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ये एलिवेटेड पार्ट ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ये सिर्फ और सिर्फ व्हीकल अंडरपास दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ से यू टर्न ले सके अगर आपको आगे नहीं जाना है और वापस जाना है तो। और ये जो रोड है, अगेन ये सर्विस रोड है जो कि दो लेन का है, और ये फिर फ्लाईओवर यहाँ पे नीचे आता है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो कंक्रीट के वॉल है ये बनाए गए हैं, और ये आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। और इसके साइड में भी ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है इसके साइड में भी वॉक करने के लिए जगह दी जा रही है, तो ये अच्छी बात है। किसी भी प्रोजेक्ट पे ना वॉक करने की जगह जरूर देनी चाहिए। ये यहाँ पे देखोगे तो एक और ये व्हीकल अंडरपास दिया गया है। ये व्हीकल अंडरपास भी इसीलिए बनाया गया है ताकि आसपास के जो लोग हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, और इसी वजह से यहाँ पे भी ये व्हीकल अंडरपास दिया गया है। क्योंकि ये व्हीकल अंडरपास है इसलिए आपको यहाँ पे लॉन्चर नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करना है, पिलर तैयार करने के बाद सिर्फ इसके ऊपर क्रेन की मदद से ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसको क्रेन की मदद से यहाँ पे डाल दिया गया है। सिर्फ अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो पिलर्स आपको दिखेंगे, और बस एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ये जो फ्लाईओवर है। वेदर सच में बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और जैसे ही इस फ्लाईओवर से आप नीचे की तरफ आओगे ना तो आपको आगे मिलने वाला है इस सोना एलिवेटेड रोड पे जो टोल है वो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोल बूथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी अब रूप लेता हुआ जो ये स्ट्रक्चर है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे पूरा अरावली हिल्स दिखेगा, ये देखो पूरा ये अरावली हिल्स। और अब हम पहुँचने वाले हैं बोनसी। वैसे अगर आप पूछोगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो कब तक रेडी हो जाएगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इस साल के अंत तक रेडी हो जाएगा, यानी कि 2021 के लास्ट तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे काम चल रहा है, ये जो सर्विस रोड बनाना है इसका, उसी का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो वो लाया जा रहा है यहाँ के लिए, जो भोंसी में यहाँ पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, यानी कि एक जो आखिरी कह सकते हो इस फेज़ टू पे, यहाँ पे स्टार्ट होता है इस जगह से और फिर ये जो BSF कैंप है वहाँ पे नीचे आ जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है फेज़ वन का काम। और वो जो लॉन्चर जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया था जो कि पूरी तरीके से बंद कर कंप्लीट हो चुका है, तो उस लॉन्चर को अब यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है, और ये लॉन्चर अब यहाँ पे काम कर रहा है। दोनों तरफ से इस पे काम चल रहा है। अगर आप BSF कैंप पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी एक लॉन्चर सेटअप किया हुआ है, और यहाँ पे भी एक लॉन्चर सेटअप कर दिया गया है जिसकी मदद से ये जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करना है उसका काम किया जा रहा है। ये एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है वो दोनों तरफ से चल रहा है, और ये है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सर्विस रोड है
लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस सर्विस रोड पर काम चल रहा था, लेकिन आज ये सर्विस रोड बनकर तैयार भी हो चुका है और यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी पिलर्स हैं वो सभी के सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, कम्प्लीट हो चुके हैं। और इस पर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रेनेज सिस्टम भी जो बनना था वो भी बनकर तैयार हो चुका है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये यहाँ से अभी हटाना है, इसको हटाया जाना है और फिर यहाँ पे जैसे ये पिलर्स है इसको कनेक्ट करने का काम चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे इस जगह पे सर्विस रोड भी बनाया जाना है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 2 किलोमीटर का जो पार्ट है यहीं पे काम बच रहा है, चाहे वो सर्विस रोड का हो या फिर इस एलिवेटेड रोड को बनाने का हो फेज 2 में। और ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ से इन्होंने लॉन्चर तो लगा दिया है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो दोनों लॉन्चर है वो तेज़ी के साथ काम कर रहा है और उधर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और एक ये यहाँ पे एक और लॉन्चर आपको दिखने वाला है। और ये जो लॉन्चर है अभी फ़िलहाल अगर आप पूछोगे कि भाई ये लॉन्चर कहाँ तक आ चुका है, तो जो मारुतिकुंज का मोड़ है ना आज की डेट में वहाँ पर काम चल रहा है। जी हाँ, ये लॉन्चर वहाँ तक पहुँच चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये नीले नीले अंबर के नीचे ना ये जो ऑरेंज कलर का लॉन्चर है ना, ये बहुत ही अद्भुत सा लग रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम, ये जो खंभा आ रहा है बीच में इलेक्ट्रिसिटी का, इसको भी हटा रहे हैं। और ये रहा लॉन्चर जो कि अब आपको दिखेगा आगे की तरफ आता हुआ, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा नीले नीले अंबर के नीचे और ये ऑरेंज कलर का लॉन्चर, खूबसूरत सा है ना नज़ारा, अद्भुत एकदम। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूंगा, घुमाता रहूंगा और ये बताता रहूंगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और जैसे ही ये फ्लाईओवर यहाँ पे खत्म होगा ना, उसके बाद काम स्टार्ट होता है फेज 1 का। जी हाँ, और वो कंपनी जो काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल, और वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। जी हाँ, यहाँ से ये है सीमा रेखा जहाँ से स्टार्ट होता है फेज 1। जी बिल्कुल, ये किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।